Bismillahirrahmanirrahim. I hope students you are fine. Today we will discuss exercise 1.5. उसकी definitions हम लोग discuss करेंगे आज. Define singular and non-singular matrix. हमारे पास singular और non-singular matrix हैं. सबसे पहले हम singular करेंगे. Singular matrix A square matrix A is called singular if A determination of A यहाँ पे matrix है. If determinant of A is equal to zero, determinant A is equal to zero. उसने आगे लिख भी दिया यहाँ पे. A हमारे पास है matrix, is a singular matrix. Since determinant हम कैसे find करेंगे A का, इसको यहाँ से multiply करेंगे one को zero के साथ, और फिर इसमें यहाँ से जब जीरो को टू के साथ करेंगे तो बीच में माइनस लगाएंगे. ये फार्मूले की होती है, वन ज़ीरो मल्टीप्लाई और ज़ीरो टू माइनस सात लगाएंगे. ठीक है, ये इक्वल टू जीरो आ गया. ठीक है, नॉन सिंगुलर ये जीरो आ गया. जो हमारे पास आ जाएगा जीरो को वो सिंगुलर होगा, और जो नहीं जीरो को इक्वल आएगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा. स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो वो कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. A इज इक्वल टू वन टू वन जीरो उसने दिया हुआ. ठीक है, इज अ नॉन सिंगुलर सिंस डिटर्मिनेशन ऑफ वन को टू के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस बीच में लगा के जीरो को वन के साथ किया, टू आ गया. टू नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. हाउ कैन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए बी सी डी is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of the entries. Adjoint of matrix A is denoted as adjoint of A. Adjoint of A को हम इसको शो लिखेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स किसी भी कैपिटल लेटर से लिखते थे, उसको हम adjoint को हम इस पूरे को सिर्फ A D J से शो करेंगे और आगे इसके A लिखेंगे. एग्जाम्पल है, अब देखिए हमारे पास ये एक सिंपल मैट्रिक्स दिया गया, स्केयर मैट्रिक्स है, इसको हमने चेंज क्या करना है. उसमें इसमें दो प्रोसेस बताए हैं, कौन से, एक तो इसका डायगनल चेंज करना है और बाकी एंट्रीज की ये वाला डायगनल है ये चेंज कर देना है, इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है, आपस में रिप्लेस करवा देना इनको. और ये वाला जो डायगनल है, ये जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं, इनकी आपने साइन चेंज करवा देना, इनकी इनको आपस में चेंज नहीं करना, इनकी जस्ट साइन जो है वो आपने चेंज कर देनी है. ठीक है, अब देखें आप, ये हमारे पास मैट्रिक है ए और यहाँ पर डी है, जबकि उसने चेंज करके क्या लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे डी इसने ऊपर कर दिया है ए की जगह पे, और ए को नीचे डी की जगह पे कर दिया, और बाकी सी और बी एज इट इज़ वैसे हैं, लेकिन इनके साथ जो सेकंड प्रोसेस है जो बता रहा है साइन ऑफ द अदर एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, ये उसने चेंज कर दिया, सिंपली है. अब ये देखें हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल भी दी गई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स वन टू थ्री जीरो है, इसको हमने एडजॉइंट लिया. इसका कैसे लिया, जीरो को वन की जगह पर और वन को जीरो की जगह पर इनकी पोजिशन रिप्लेस करवा दी, और जो बाकी एंट्रीज हैं इनकी पोजिशन रिप्लेस किए बगैर इनको हमने इसका साइन चेंज कर दिया, ये आगे इनका साइन चेंज हो गया, पोजीशन वो वैसे सेम है उनकी. हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा. नॉन सिंगुलर कौन सा होता है? जो जीरो को इक्वल ना हो, जो जीरो को इक्वल डिटर्मिनेंट उसका जीरो को इक्वल ना हो. लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स. हमारे पास ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मीन वो जीरो को इक्वल नहीं आते जब उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो, ऑफ द सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी सेम है. देन ए एंड बी आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. इसके लिए कंडीशन दो हमारे पास मैट्रिक है, कंडीशन क्या होनी है कि वो नॉन सिंगुलर हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो. ठीक है, तो उसको हम जब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो एक दूसरे का इक्वल आएंगे. ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया. यहाँ पे आई इनवर्स को शो कर रहा था, इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स. ठीक है, ए इनवर्स लिख करके ए ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई. इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एक्जिस्ट, इसलिए उन्होंने कहा कि नॉन सिंगुलर होने चाहिए. जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका जो है इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ एम इज इक्वल टू ए बी सी डी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन फाइंड एम इनवर्स. इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो फाइंड इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे. हम एम का मॉड ले लिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है, अब इसकी मॉड का साइन सिंपल लाइन लगानी होती है, वो इसका मॉड होता है, वो आपने लगानी है. अब देखें एम इनवर्स फाइंड, वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मेन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है. अब ये इसको किया, डिटर्मिनेंट लिया ए बी ए डी माइनस सी बी, ए डी माइनस
माइनस बी सी या सी भी कोई भी लिख लें आप, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो को इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इसका हम एडजॉइंट लेंगे आगे। एडजॉइंट क्या लिया हमने, एडजॉइंट लेना पहले डिटर्मिनेंट ले, चेक करना है क्या है, जीरो आ रहा है फिर तो नहीं होगा, अगर जीरो नहीं आ रहा तो फिर हम इसको आगे नेक्स्ट करेंगे। इसका हमने अब देखें ये जीरो के इक्वल नहीं आया, अब हम इसका आगे नेक्स्ट कर रहे हैं, एडजॉइंट ले रहे हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स की हम लोग जो मेन डायगनल है उसकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे एलिमेंट्स की, और जो बाकी अदर एलिमेंट्स हैं वो उसकी हम लोग हम इसकी चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ एम ए डी माइनस सी माइनस बी, इनकी हमने साइन चेंज करके और इनका हमने मेन डायगनल चेंज कर दिया। देन एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम मॉड, ये इसका फार्मूला है, इसको ऐसे लिखना, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एम इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम मॉड, एडजॉइंट क्या है ये हमारी जो वैल्यू है हम सिंपली एज इट इज़ वहाँ पे लिख देंगे, और एम मॉड क्या है, एम मॉड ये हमारे पास ये वाली इसकी वैल्यू सिर्फ ये एक ही है ये वाली आ गई। डिफाइन लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं जो जीरो के इक्वल नहीं होते, एंड कंफर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनवर्सन ऑफ मैट्रिक्स, ए बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के, इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मीन इसके नॉन सिंगुलर होना जरूरी है और कंफर्मेबल तब होंगे जब ये ना नॉन सिंगुलर होंगे। थैंक यू सो मच।